मैं हूँ अली अब्बास। तेज रफ्तार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों पे। हरिहरन साहब, जूही चावला जी, इस वीडियो को जिन्होंने कंसेप्चुलाइज किया, गजेंद्र सिंह जी, वीडियो डायरेक्टर शिव कुमार जी, आदरणीय उषा मंगेशकर जी, सुरेश वाडकर जी, संजीव कपूर साहब, इस्माइल दरबार जी, सतीश शाह जी, भावना सोमैया जी, श्रवण राठौड़ जी, डॉक्टर अनिल काशी मुरारका, फिलैंथ्रोपिस्ट, आप सभी को आमंत्रित करें। हरिहरन जी, फॉर्मल लॉन्च। हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी सुहेल खान साहब को भी मैं मंच में आमंत्रित कर रही हूँ। सांवल पारंपरिक सिंध काफी और परंपरा को नई राह देते हुए लॉन्च किया जा रहा है। कैन वी हैव रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जी म्यूजिक आल्सो ऑन स्टेज प्लीज। ये कौन कौन आगे चला गया है यार? बहुत भाग्यशाली है रीवा के इन सभी बड़ी हस्तियों का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है, जिनमें से हर एक अपने आप में एक संस्थान का दर्जा रखते हैं। तो हियर इट इज, सावल अवेलेबल ऑन ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड। पहले भी गया समारोह में। ये एक बहुत बड़ा मौका रीवा के जीवन का, सभी संगीत प्रेमियों के लिए एक सौगात यहाँ पर आज इन सभी हस्तियों के द्वारा समर्पित की गई है। सभी का हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कलाकार है, इतने प्रतिभावान कलाकार है कि मैं उसको ले गया मेरे घर पे और दीदी को उसका गाना सुनाया। दीदी मतलब भारत रत्न लता मंगेशकर। उसने पहला एक ही शब्द कहा कि मैं इस लड़के को मैं प्रेजेंट करूंगी बाल, मैं इसको सादर करूंगी। बस इसी एक ही बात में युवा कितनी बड़े आर्टिस्ट है, जाहिर हो जाता है। भगवान की बड़ी कृपा है और माता पिता का संस्कार है। रूप भाई और सोनाली जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। सिंगर्स है आज इंडस्ट्री में एंड सोनाली जी इज इक्वली टैलेंटेड। आई लव हर गजल्स व्हेनेवर शी रिलीज एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मेनी मोर। एंड व्हाट एल्स कैन दे हैव, हु एल्स कैन दे हैव एज देयर चाइल्ड टू टेक द लेगेसी अहेड अदर देन यू, and you made them proud and how. So congratulations, beautiful rendering, and you've covered all the areas, you've touched every heart, whoever wanted whatever you've given them. And in fact, you've given your best, that is the best thing about it. So congratulations. Dignitaries on the dais, बहुत बड़े बड़े कलाकारों के बीच में मैं खड़ी हूँ, ये तो मेरा ही सौभाग्य है। क्या कहूँ, आप सबने बहुत ऑलरेडी सुंदर तारीफ की है, रीवा की, रूप जी की, सोनाली की, जिनके ये बहुत ही काबिल है। अंत में आने का यही एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है कि सब लोगों ने सब कुछ कह दिया होता है और फिर आते हैं तो चलिए थोड़ा सा कहेंगे तो भी चलेगा।
मैं ये कहना चाहूंगी, रीवा एक छोटा सा हीरा है, चमकता हुआ हीरा, जो रूप जी और सोनाली जी ने बड़े प्यार से तराशा है। और ये चमकेगी, ये चमक रही है, चमकती जाएगी, इसमें कोई शक ही नहीं। बस ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम अमेज्ड एट योर रेंज, यू आर फैबुलस, कंटिन्यू टू शाइन एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑफ कोर्स योर गुरुज प्राउड। थैंक यू वेरी मच। मुझे बोलने के लिए वर्ड नहीं है, इतना अच्छा गाती है रिवा, बहुत प्यार करती है, मेरा घर का लड़की जैसा है, मेरी बेटी जैसा है, उसको बहुत आशीर्वाद देने, सब क्लैप्स देने उसके लिए। हरियाणा साहब सुरेश वाडकर जी, आप अपना आशीर्वाद दे देना, इस मंच से कैसे चले गए। में जो लोग आए हैं आशीर्वाद देने के लिए, मैं सबका सर झुका के स्वागत करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और बेटी के बाप होने के नाते एक शेर मैं कहना चाहता हूं कि गुल अब गुलिस्ता होने लगे हैं, गुल अब गुलिस्ता होने लगे हैं, जमीन से आसमां होने लगे हैं, और बुढ़ापा इसलिए अच्छा लगा कि बच्चे अब जमा होने लगे हैं। थैंक यू। खाने का बहुत शौक होता है, और जो खाने अच्छा वाले होते हैं उनको संगीत से बड़ा लगाव होता है। तो अगर मेरे ऑफिस में अगर आएंगे तो वहाँ पर जहाँ मैं बैठता हूँ तो वहाँ पे एक साइड में ड्रम किट है, दूसरे साइड में गिटार है, एक साइड में ऑक्टोपैड है, एक कीबोर्ड है, तो पूरा ऐसे लगता है एक म्यूजिशियन का रूम लगता है, शेफ का रूम नहीं लगता। सो यस, आई लव म्यूजिक। मैं म्यूजिशियन नहीं, नहीं, ऐसे इतने सारे लोग यहाँ पे और ऐसे मैं ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए, खाना बनवा लो मुझसे। थैंक यू सो मच। ऑल परफॉर्मेंस रहा, ट्रस्ट मी, बच्चन साहब का एक वर्ड याद आता है, अद्भुत, अमेजिंग, फैंटास्टिक, जो कॉम्बिनेशंस उसने लिए हैं एट दिस एज, आउट ऑफ द बॉक्स। मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा उभरता हुआ सितारा है, जो हम हिंदुस्तान में गर्व करेंगे कि ऐसे एक फनकारा पैदा हुई अपने बीच में। देखिए, ये बोलना माता पिता सिंगर है इसलिए बच्चे में टैलेंट है,
विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं नहीं मानता, बच्चे में भी वो लगन वो उत्साह होना ज़रूरी है। आप एक सरसरी तौर पे स्पोर्ट्स की एक बात करें, सुनील गावस्कर साहब, रोहन गावस्कर, तो ये बोलना कि माँ बाप का इनबॉर्न टैलेंट है, नहीं, देखिए उनकी अपनी मेहनत भी है। हाँ, जीन्स जेनेटिक होते हैं, जीन्स ट्रेवल विद इन यू, बट अपने आप में मेहनत करना, प्रयास करना और इस चरण सीमा पर पहुंचना, अपने आप में भी कुछ हुनर होना जरूरी है। दैट्स व्हाट रीवा इज ऑल अबाउट। मैंने कहा अद्भुत, मेरे पास अल्फाजों की कमी है, मैं क्यों, आप किसी से भी बात करेंगे उनका यही कहना रहेगा, शी इज मल्टी टास्कर, फैंटास्टिक टैलेंट एंड इन द ईयर्स टू फ्लो बाय वी विल सी हर डूइंग वंडर्स फॉर द इंडियन कॉन्टिनेंट। सर आप भी नए प्लेटफॉर्म, नए नए लोग को अप्रिशिएट करते, नए नए प्लेटफॉर्म देते उसको। यार मैं छोटा सा प्राणी हूँ हिंदुस्तान शहर में, अगर मैं कुछ कर पाया बिफोर लीविंग द वर्ल्ड सराहनीय होगा मेरे लिए। थैंक यू, थैंक यू। टैलेंटेड आर्टिस्ट, वो हिंदुस्तानी, कर्नाटक, वेस्टर्न सब सीखी हुई है, पियानो भी बजाती है, पार एक्सलेंस और बहुत खूबसूरत आवाज़ है इनकी, और मैं ही चाहूँगा कि शी बिकम्स अ फिनोमिनल आर्टिस्ट नेशनली एंड इंटरनेशनली। थैंक यू। लेटेस्ट और ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए तेज़ रफ्तार न्यूज़। नमस्कार।